फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो मैं अभी हूँ अपने ससुराल में न्यूली वेड, क्योंकि मेरी कल हुई है शादी। और देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी ब्लैक चूड़ियाँ पहन रखी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ब्लैक चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, मतलब ससुराल में नहीं मायके में। तो बस ये देखिए मैंने अभी ब्लैक चूड़ियाँ पहन रखी हैं और अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तो ये वाली एक रस्म आप लोगों की अभी होती होगी शायद, तो ये वाली रस्म बाकी है और मैं अभी अपने ससुराल में तैयार होकर के बैठी हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है ससुराल में। और ये रही मेरी प्यारी सी ननंद और वो रही मेरी मतलब छोटी देवरानी की सिस्टर है ना, बड़ी है, छोटी है। बड़ी अच्छा, तो ये है मेरी देवरानी की सिस्टर बड़ी वाली। तो अब भाई बस हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि आज तो भाई न्यूली वेड हूँ तो मेरे पास कोई काम तो है नहीं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। और आज है हमारे यहाँ रिसेप्शन, तो आज रिसेप्शन की पार्टी वगैरह है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, सुबह कुछ ऐसे ही बज रहा होगा 8 या 9 के लगभग। तो बस अभी सुबह नहा धो करके रेडी होकर के बैठ गए, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आने हैं, तो बस ऐसे ही वेट कर रहे हैं उन लोगों का। और जेंट्स लोग वर्क कर रहे हैं, हाँ जेंट्स लोग इनके रिसेप्शन की तैयारियां कर रहे हैं। तो और सारी तैयारियां चल रही हैं नीचे, तो बस अभी और आगे आगे जो जैसा होता है पूजा वगैरह, वेट करो इनके रिसेप्शन पार्टी का। हाँ, तो जो भी होता है मेरे ससुराल की जो भी रस्में होती हैं या जो भी कुछ होता है तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाँ, लुक बताइएगा कैसा है, बिल्कुल यूनिक लुक है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इस लुक में मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं, और फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद में। बाय बाय। हाँ, मेरा ओवरऑल लुक जो कि मैंने आज वेयर किया हुआ है और इसको रिकॉर्ड किया है मेरी प्यारी सी ननंद ने, जो कि ये है। तो आप लोग इनसे भी मिल लीजिए, और जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप लोग ना इनको मेरे वीडियोस के बारे में भी बताना, मेरे वीडियोस में खूब देखेंगे। और हाँ, आप कमेंट आप लोगों को ना मेरी ननंद के ऊपर करना है, ठीक है? जो भी कमेंट करना आप इनके ऊपर कमेंट करना, ठीक है? तो चलिए, आप लोग के प्यारे प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। हेलो गाइस, ये हमारी एनिमा भाभी और हम इनकी ननंद, ये भाभी की छोटी सिस्टर और ये अपने ससुराल में है। बताना कैसी लग रही है ये, और आज इनकी रिसेप्शन पार्टी है। बहुत क्यूट प्यारी सी मिली है, फनी जैसे हमको चाहिए थी। और इसे देवरानी देखो एकदम काम करने में, हाँ काम करने में लगी पड़ी है। पास है देवरानी, चेहरा दिखा दो अपना पहले, ये देखो। हेलो नहीं भाभी, फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग किसको? ये तो पूरे देश में नाम है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी और रानी है। हाँ पहले भाभी, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपना प्यारा सा लुक। ये रही मेरी ड्रेस सी साड़ी, और कितना सुंदर लगता है ना शादी के बाद में, मतलब अच्छे से सज धज के रहना, खूब अच्छे से ड्रेसेस ड्रेसअप होना, मतलब कपड़े वगैरह पहनना। तो ये रहा मेरा ओवरऑल लुक शादी के फर्स्ट डे का। ऑब्वियसली थिंग है शादी के फर्स्ट डे का, दूसरे दिन का ससुराल में। और ये देखो मैंने मांग टीका वगैरह पहना हुआ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है मेरी प्यारी सी ननंद, और आप लोग बताइएगा जरूर कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड किया है ना, वो मतलब मैंने अपने आईफोन से नहीं, दूसरे फोन से रिकॉर्ड किया, तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा होगा। और ये रही मेरी सुंदर सी मेहंदी, कितनी डार्क रची है ना, आप लोग गेस कर सकते हो कि मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कितना प्यार करते होंगे। और ये रहा मेरा बैक का लुक, तो बैक में मैंने ना मेरे बाल तो वैसे भी अच्छे हैं, बस मैंने चोटी बना ली थी लंबी सी, और अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे ऐसे सज वज के रहना और चोटी वगैरह करके खूब अच्छे से। और ये रही मेरी मतलब बैक की मेहंदी, और ये देखो कितनी बैक की भी कितनी अच्छी लग रही है। और पता है हम मतलब मेरा जहां पे ससुराल है ना, वहां पे ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनते हैं,
और मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों को तो पता है हम उत्तर प्रदेश कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ ना ब्लैक चूड़ियां पहनते हैं। तो बस अभी मैंने ब्लैक चूड़ियां पहन रखी हैं और आगे आप लोग को शायद ना मतलब चूड़ियां थोड़े से चेंज हो जाएंगे, चेंज देखेंगे। तो फिलहाल ये तो रहा हमारा ओवरऑल लुक आज फर्स्ट डे का, हमारे न्यूली वेड अनिमा का फर्स्ट लुक, फर्स्ट डे का फर्स्ट लुक। उसके आगे का ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सॉरी, मतलब फोन ऑब्वियसली थिंग मेरे हाथ में नहीं था, मेरी ननंद के हाथ में या फिर किसी के भी हाथ में होता था फोन, तो मैंने बोला था कि रिकॉर्ड कर लेना, या फिर रिकॉर्ड कहीं हुआ होगा तो वो क्लिप्स मुझे मिली नहीं है, तो वो ऐड नहीं कर पाई, सो सॉरी। यहाँ पे मेरी देवरानी लगा रही है मुझे ननंद, जो कि बहुत ही प्यारी है मेरी देवरानी। और ये है चौथी जो चलती है ना, चौथी के दिन जो मतलब लड़की ससुराल से मायके जाती है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं मायके जा रही हूँ अपने, मेरी देवरानी ननंद सॉरी मेरी देवरानी रंग लगा रही है, और मेरी सास मतलब मेरी मम्मी और मैं बैठी हुई थी, तो बस यहाँ पे रंग वंग लगाने की रस्म हो रही थी, और उसके बाद में फिर हम जाएंगे। तो सॉरी उसके लिए कि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या फिर मैं मेरे को मिली नहीं है वो क्लिप्स वगैरह, तो आप लोग ना बस ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे, मतलब इतना रात हो गया था ना, इतना रात तो नहीं खैर, हाँ लेकिन 8 से ऊपर हो गया था, 8:30 बज गया था, क्योंकि खाना पीना खाते वाते करके लेट हो गया था जाने में मुझे, तो विदाई में लेट हो गया था थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा। और यहाँ देखो मस्ती चल रही है मेरे हस्बैंड की, भाई एज यूजुअल ये बहुत ही मस्त इंसान है। और यहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है, विदाई जब होती है बहू की फर्स्ट टाइम ससुराल से, तो वो मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता, मतलब भाई लेने आता है, भाई और घर से बहुत सारे लोग लेने आते हैं, 4-6 लोग लेने आते हैं, तो यहाँ पे पूजा करवाई जाती है बहरी पे, और कुछ भगवान होते हैं हमारे कुल देवी देवता, तो बस ये अभी वही पूजा वगैरह कर रही हूँ। और मेरे भाई मतलब ऑब्वियसली थिंग आप लोगों को पता होगा कि मेरा भाई तो नहीं है, पर मेरी बहन है, जो वही मेरी भाई है, मेरा बहन है, सब कुछ वही है, तो यहाँ पे उसी से सारी रस्में हुई थी, उसी ने सारी रस्में की हुई थी शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब तिलक चढ़ाना और भाई की जो भी रस्में होती है, मेरे हस्बैंड को भाई की करना, मस्ती करते हैं सबके साथ में। और ये जो झांकरे मेरे मामा जी हैं, और ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये मेरे मामा जी हैं, और ये रहा मेरा भाई पहले बहन पहले, तो यहाँ पे, और ये रही मेरी सासुमा, प्यारी सी सासुमा, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है। और यहाँ पे ये देखो भाई के तिलक वगैरह किया जाता है, तो भाई वाली जो रस्म होती है वो यहाँ पे रस्म हो रही है। मेरे हस्बैंड देखो किस तरह से झांक रहे हैं, बहुत ही मजाकिया इंसान है सच में। तो बस इस तरह से ये रस्में वगैरह हो रही हैं, और आप लोग वीडियो को ऐसे एंजॉय करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो ना, खूब अच्छे अच्छे से वीडियोज आने वाले हैं, ऐसे ही मैं डालती रहूंगी अच्छे अच्छे वीडियोज। और यहाँ पे देखो मेरा भाई कल, मेरी बहन कल, वैसे तो बहन है, भाई मेरे हस्बैंड को देखो कितने कार्टून से शादी की है, आंखें देख ये देखो भी ये कनेक्ट कौन से फोन पे, चलो वीडियो मेरे में भेज दियो ना। नहीं नहीं जैसे किसी से जो कटवा रहे सब चलेंगे, सब चलेंगे। कौन कौन नाम बताओ, ठीक है ठीक है, सुनो ठीक है, मैं चलूंगा समझ के संग, पर मियां संग चल लो, बड़ो बड़ो और यहाँ पे पहना रही हूँ मैं मम्मी को पायल, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब जब आप अपनी माता पिता के लिए कुछ करते हो, और मेरे पास पायल रखी हुई थी, मैं यहाँ से लेके भी गई थी अपने मायके से, और वहां मुझे मोदी खाई वाली रस्म में कई सारी पायल और कई सारी चीजें मिली हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी के पाँव में पायल नहीं है तो मैं पायल पहना देती हूँ।
तो बस मैं वही पायल पहना रही थी। और यहाँ पे देखो मेरी चूड़ियां चेंज हो गई हैं, क्योंकि वहां पे ब्लैक नहीं पहनते हैं, तो यहाँ पे मतलब चेंज करवा दी थी मम्मी ने। और जिस तरह से मम्मी ने कलर, जिस कलर की चूड़ियां पहनी हुई है ना, यहाँ पे यही वाली चूड़ियां पहनते हैं। तो देखो मम्मी की चूड़ियां आप लोग देख लो। और बस उसके बाद में मैंने मम्मी के पैर छुए, और अब मैं ना मम्मी को मतलब समझा रही थी, ऐसे ही प्यार कर रही थी कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो, कोई भी मन में बात हो, कुछ भी आप हमसे हमेशा कह सकती हो। और माँ बाप को क्या चाहिए होता है कि बच्चे हमेशा खुश रहें, लड़का बहू हो या बेटी दामाद हो। तो बस वही यहाँ पे मम्मी से बातें कर रहे थे और खूब प्यार कर रहे थे, उनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब आप किसी भी तरह से कोई भी परेशान मत हो ना, बस मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और देख रही हूँ चुनौतियाँ गैया कुत्ता का भविष्य भतीजा जल्दी दीदी आ जाओ ऊपर आ जाइए और आ जाओ ऊपर ऊपर आओ गले और मिलने हम पांच लोग के बाद गले ना मिले तो मैं कैसे करनी चाहिए ऐसी कोई बात नहीं तो की मस्ती चला रे पटोरिया देखना ठीक है भाभी देखो ससुराल को ननंद का घर है और ननंद को ननंद के ससुराल को अपने ससुराल के लोगों को सबको कैद करके ले जा रहे हैं। सही माता सिखाएंगी तो एक बार सुनो 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 भाभी अरे सुनो एक बार बोलिए वैसे बैक नहीं है ना YouTube पे डाले घर जाएंगे ना तब एडिट कर यार ये कितना सुंदर लग रहा है ये बहुत सुंदर सा आ रहा है ये जा रहे घर जाएंगे तब लैपटॉप पे सब वीडियोस डालेंगे जाके ना ये फिर एडिट करेंगे फोटो खींचेंगे यादव सर के साथ चलो शहर का आदमी है एक रुक मौका बहुत होगा पतला नहीं होगा खाना हो बैठो वो भी बाहर का खाना तेल मसाले अनाज काम में तो खा मैं तो जी जी फोकस हां ये नंदेव जी ये आगे एक मिनट तो आज हम अभी आए हुए हैं अपनी ननंद रानी के गांव में कौन सा गांव है मुड़ोतक जो कि राजस्थान में पड़ता है तो आज हम आए हुए हैं मुड़ोतक में और ये है मेरी ननंद भाई साहब ननंद भाई साहब हूँ मैं कौन हूँ आपकी भाभी जी भाभी साहब मैं इनकी भाभी साहब हूँ है और ये रही मेरी छोटी ननंद भाई साहब और ये मैं इनके साथ में आई हुई हूँ और ये रहे मेरे ननंद जी के हस्बैंड मतलब मेरे नंदोई जी नंदोई। और ये सारे बच्चे जय जी हेलो करो हेलो हेलो हाय हाँ अपने गांव के बारे में बताओ मेरी ऑडियंस को हमारा गांव बहुत बढ़िया है खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है इधर पानी भी बढ़िया है पानी यहाँ पे
350 रुपए का नहीं बोरा, देखो अभी वो बोरिंग हमारी पड़ी है, 37 की बोरिंग है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पे टैंकर आते हैं 350 रुपए के लिए आता है। तो आज हम आए हैं इधर घूमने के लिए, अपनी मेरे ससुराल से 10-15 किलोमीटर कितना दूर है दीदी? 15 किलोमीटर। हाँ 15 किलोमीटर है। तो हम आज इधर आए थे घूमने के लिए क्योंकि दीदी ने खाने में बुलाया हुआ। कौन-कौन आए ये भी तो बताओ, कौन-कौन आए साथ में? अब जो आया है वो ही है साथ में, जो नहीं आया उसका नाम क्यों ले, उनका नाम क्यों ले, उनको हम जबरदस्ती फेमस कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे फेमस, क्यों आए? देखो जो दिखता है वही बिकता है, सीधी सी बात है। मामा की टोपी के छोटे ने मैं कैसे लग रही है ऐसा नहीं, जो मामा के जो ना मामा के ना फूफी के, हम हैं यूपी के, जो जो दिखता है वही दिखता है ना, यही है भाई यूपी वालों की पहचान, जो ना अपने लोगों को पराया कर रहे हैं हम यूपी के भाई, समझा ना कि अपने लोग भी होते हैं, कुछ साथ में नहीं होते तो वो पीछे भी है। नहीं भाई हम हैं यूपी के और ये लोग हैं राजस्थान के, तो जो आया है वो जो हमारे साथ है, बता ना कौन बेस्ट है, यूपी या राजस्थान के लोगों? भाई ऑब्वियसली थिंक यूपी बेस्ट है। नो नो, राजस्थान राजस्थान राजस्थान। और यहाँ पे एक खेत वेत है, मैंने तो देखे नहीं है आज तक, मतलब मेरे गांव में मेरे घर में मैं कभी गई नहीं हूँ, तो मैं इधर आई हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है एज ऑलवेज। तो ये खड़ी है मेरी गाड़ी और ये रहे सारे के सारे खेत, और ये देखो किस किस किसने ना इस तरह के वेदर को, इस तरह के एटमोसफेयर को एंजॉय किया। पीछे बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, भर्ती की तैयारी चल रही है। कहाँ पे बच्चे? वो हाँ ये देखो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, भर्ती की तैयारी चल रही है, और इस टाइम पे ना लाही और गेहूं वगैरह का सीजन है, तो बस ये सब फसल कटी वटी पड़ी हुई है अभी। और किस किस ने इस तरह से इंजॉय किया है गांव और गांव के माहौल को, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं बहुत सारे वीडियोस अभी लाने वाली हूँ, मतलब बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, अभी फिलहाल मैं अभी ससुराल में हूँ तो इसलिए वीडियोस ना ही मैं डाल पा रही हूँ, ना ही एडिट करने का टाइम मिल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग चैनल पे बने रहिए मेरे और खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अब कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते रहिए हमारे अपनों से। तो मिलते हैं हम आप लोगों को थोड़ी सी देर के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, और इन लोगों को भी देख लो, बाय बाय। कर लो भाई किस कर लो, दोबारा बाद में करना, सब अच्छी बना दिएगा आप वीडियो लो। अच्छा ना मैं भी ऐसे करूं, दीदी जैसे कर रही हूं। फिर ऐसे आगे चलना, हमारा वीडियो बनाना घूंघट काट के देख के चलना, कहीं मैं ही जाके गिरूं। ये हमारे ड्राइवर साहब मतलब जीजा जी। चलो बैठो भाई बैठो, ये हमारी मलूक सी भाभी, भाभी अति सुंदर। चले चलो कॉल खिड़की लगाओ, शीशा में खोल दो, खोलने या लगाने ले, ले। लगाने या खोलने, खुला एसी एसी ना चलो चला एसी आए यहाँ इतने सुंदर आया जाता है। तो यहाँ पे हम घूम रहे हैं अपनी ननंद के ओरिजिनल गांव में, बहुत मज़ा आ रहा है, और सच्ची में ना मतलब मैंने गांव तो देखे थे लेकिन मैं गांव में रही भी नहीं हूँ, मैं गांव में गई भी नहीं हूँ, तो मुझे गांव का मतलब फील लेना था, बहुत मज़ा आ रहा है। और घर देखो, जगह देखो, नेचर देखो, मतलब जो लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे सच में ना कितना अच्छा लगता होगा ना उन लोग गाँव में। तो और यहाँ पे ना कुछ पहाड़ी एरिया है, कुछ मतलब प्लेन सा एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर दीदी बोली कि चलो ये देखो घर, मतलब झोपड़ी वगैरह, जो सच में ना हम बहुत मिस करते हैं सारे लोग, मतलब शहरों में रह करके कितना अच्छा लग रहा है। तो बस दीदी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें अपना गाँव पूरा घुमा देती हूँ। तो हम लोग जा रहे थे, एक पहाड़ी थी, बहुत सुंदर सी पहाड़ी थी, तो बस वहीं जा रहे थे। और हमारे यहाँ भाई घूंघट बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि हम राजस्थान में मेरी शादी हुई ना, तो हम लोग राजस्थानी हो गए ना, तो राजस्थान में घूंघट किया जाता है, की प्रथा बहुत ज्यादा है। तो बस हम वही घूंघट वगैरह करके हम लोग जा रहे थे।
खाओ तो इतनी एगो बंडा जो वीडियो बनवा रहे नहीं खाते पहले मैंने पा रही थी पहले जे ए अब दीदी ऐसे वाला दीदी मैं तो सोच रही हूँ अरे भैया मैं तो लाली के टप में देखो देखो वो तो सही है क्यों तुम्हारा आदमी देखा तुम्हें दिक्कत है प्रवेश करेंगे आओ करो जल्दी फोकस है पूरा फोकस कर लो हाँ अब तो आओ कोई दिक्कत ना है यूट्यूब पे है हमारी मौसी सास ये तो संग बराबर है मौसी सास ये भाई बनाने बेइज्जती थी नहीं बेइज्जती थोड़ी कर रहे हैं मौसी वो खवा दे पूरी खवा दे पूरी नहीं पूरी सब्जी ना है सूखी पूरी थोड़ी खवाए मौसी खीर खवा दे तीन चम्मच खीर तो खा लेंगी चम्मच झूठा है मेरा खिला हां ये खीर झूठी है जाएगी सभी हां वो चम्मच बचे ना ऐसे हेलो गाइस देखो आज हमारे घर में भंडारा चल रहा है और ये चार देवरानी जिठानी थाए पाए के भंडारे का भरपूर मजा उठा रही है और ये उनकी सासुमा स्ट्रिक्ट बन रही सासुमा देखो क्या मजबूर हो रही है और मुझे काम पे लगाया गया है वो भी वीडियो बनाने के लिए ना कि खाना खाने के लिए बोला है बताना कि मेरे साथ कैसा हो रहा है देखो देखो थोड़ी शर्मीली है इनकी सबसे छोटी वाली बेजारी सबसे छोटी बहू है ना सबसे ज्यादा शर्मीली है हाय जी हमारी सबसे छोटी देवरानी सबसे ज्यादा शर्मीली है सबसे ज्यादा शर्मीली कंजड़िया से बने घूमते रहे हम तो जी हमारी भावना देवरानी है जी हमारी कोमल देवरानी है ये ए नाम बता दे भींगरा देवरानी भींगरा देवरानी हाँ नहीं आज इसने खुद ही अपना नामकरण किया है कह रही है आज से हमारा नाम तुम भींगरा देवरानी के उसे फीड कर लो है मौसी कहीं ना यानी ऐसी अब आज से भींगरा देवरानी और हम सब बैठे हैं आज घर में भंडारा चल रहा था भंडारा यहाँ पे है लेकिन खा चुके फिर हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते नहीं तो आप लोगों का मन करेगा खाली प्लेट पोसे जी मैं कोमल देवरानी भावना देवरानी वर्षा देवरानी और ये रही जेठानी एक जेठानी एक जेठानी और ये तीन देवरानी है ये तीन देवरानी और हमारी ये रही प्यारी सी सासू माँ है ना माँ नंदरानी तो रहेगी तुम्हारी हाँ और जी हमारी नंदरानी नंदरानी सबकी सब रानी है ये देखो है सबकी सब कोई ना कोई रानी है ये अरे अरे वीडियो ही बन रही है नहीं हम ओरिजिनल वॉइस डालेंगे यहाँ की भाषा भी तो दिखेगी ना वहाँ पर फिर उसके बाद हम सब जेठानी वालों को जेठानी जी खिला रही है जेठानी खिलानी ऑर्डर की मार खा गई नहीं अब सब जेठानी खिलाएंगे कोमल को अभी पूरी कथा बताओ एक एक और खाओ सब जेठानी छोटा नहीं पूरी पूरी ले क्यों नहीं आ रहे हो क्यों आ रहे हो नहीं आ रहे हो जी फट जाए बड़ा
अब मौसी को नंबर आ गया। दिखो दिखो इंडिया गेट दिखो ओके तो सबसे बड़ी जिठानी के लिए सबसे बड़ा सबसे बड़ी मुंह खोलो पहले जो देख लो ऑडियंस भाई सबसे बड़ी जिठानी है बिल्कुल देखो तीनों का बराबर जा रहा है एक ही बार तीनों देवरानियों का मिलके नहीं तीनों देवरानियों का मिलके चार पूरी मिला सबसे बड़ी जिठानी हो ठीक है बढ़िया आइडिया दिया मैंने छोटा सा नहीं ना अभी वो सारे फोटो क्यों रेड कर देंगी तो ये फोटो को मैं वायरल ना है रे फोटो दिखा रही मैं ना इतना ज्यादा जेठानी के रोल में मत रहो भाई बड़ी बेचारी रोल में लगाएंगी चलाएंगे इतना ज्यादा रोल मत रहो बोला कुछ मैं आऊं कैसे फोटो बोला कुछ ये है हमारी बड़ी जेठानी देख लो उनके नाटक देख लो भाई ये रूप की सुंदरी मुंह लगा के तारी तो इन साड़ी की कह रही मैं तो कसरा को थाना वाले चलो बोलो वर्षा कुछ बोलो हाँ बोलो तुम्हें बोलो वो बना ना ऐसा कुछ ना ये दीदी के बारे में कुछ बताओ ये हमारी शर्मिली सी जेठानी जी बहुत जल्दी पर्दा कर लेती है आज नहीं कर रही फिर पर्दा जी हमारी अंजलि दीदी सब इनके जौ कट रहे हैं भाई जिसे जौ कटवाने वो आ जाना है इनके जौ कटवाने है दीदी कितने रुपए तुम दियो जौ कटवाई दिहाड़ी 500 रुपये एक दिन बोल का है नहीं 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 ईशा देखो इनका ऐसा है नहीं इशारो इशारो बोला बोल क्या नहीं नहीं जब बहुत अच्छा बोलती है ना तो इस वजह से इन्होंने ना अपने मुंह पे लगाम लगा रखी कह रही हाँ हमारी आवाज ना बाहर जाए आवाज को नजर लग गई तो ये देखो चेहरे को भी नजर लग जाए जी है हमारी प्यारी से देवरानी जी अम्बे बोल लो भाई देख लो इशारो इनका इशारो इशारो बातचीत चल रहा है बोल गई बोल गई बोल गई मुंह खुल गया मौन व्रत तो टूट गया मौन व्रत दीदी बता कितने जौ कट रहे आपके कितने बचे हैं जौ पूरे कट गए अब लायो कट रो कट गए सब कट गए सब कट गए भाई जी ऐसी बहुत शर्माती है ये चलो गाना बज रहा डीजे पे नाच ले थोड़ी नाच में पहले किसी में काम करे पहले दे 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 तुम्हारो का नाम है कुणाल कहाँ पढ़ने जाते नेसलाल हैं नेसलाल नेसलाल पूरा नाम बताओ स्कूल को अपने पूरा नाम ना पता नेसलाल पता है बस पूरा नाम ना पता कहाँ जाते भरतपुर की जगीना भरतपुर भरतपुर और तुम्हारे दोस्तन के नाम बताओ एक को नाम तो जिया और एक को नाम टैटी और एक को नाम परी एक को नाम पूजा और एक को नाम टूटू एक को नाम सुरेश प्रेस कर दिए ना भैया प्रेस कर दी शायद तुमने कर ली प्रेस हमें एक बर्थडे पे करनी थी लाला मैं कौन हूँ तुम्हारी
बड़ी चाची। बड़ी चाची, हाँ जी, तो चाचा वाली चाची है। अम्मा को नाम क्या है? सतीत। हाँ राजकुमारी। हाँ राजकुमारी, श्रीमती राजकुमारी। हाँ चाचा को नाम? श्री 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 सत्येंद्र सत्येंद्र सिंह सिंह। आओ जीतू चाचा को नाम, जीतू चाचा को नाम बता। श्री श्री जितेंद्र जितेंद्र सिंह सिंह। पापा को नाम? श्री श्री भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह सिंह। अम्मा को लप्पू कौन कहवे? भैया। कौन भैया? अम्मन की दोस्त। अम्मन की दोस्त का कहवे अम्मा को? लप्पू। लप्पू। अम्मा को का नाम है दूसरो नाम? अम्मा को राजकुमारी। हाँ पहलो नाम का है अम्मा को? लप्पू। 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 तुम का कहो अम्मा को? राजकुमारी। राजकुमारी कहो तुम अम्मा को? तुम लप्पू ना कहो अम्मा को? लप्पू अम्मा है राजकुमारी। तो यहाँ पे हम आए हैं अपने देवरान के माइक और वहाँ पे मतलब ऑन रोड उस तरफ घर है, रोड उस तरफ और इस तरफ खेत है, तो यहाँ पे बहुत सारी बेर वगैरह लगे थे, बहुत सारी खेत वगैरह हैं उसके, तो हम सब बस वहीं पे मस्ती कर रहे थे और बेर वगैरह तोड़ रहे थे। मतलब मेरे लिए तो सब कुछ नया ही था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देवरानी और जेठानी है और बहुत सारे लोग हैं, मतलब दीदी वगैरह हैं। ये देखो ये मेरी देवरानी आ गई पगलिया सी हैं, और बहुत सारी दीदी वगैरह हैं, देवरानी की बहन और भाभी वगैरह हैं। ये जो भाभी हैं पीछे से मतलब सिर पर पल्लू लिए हुए हैं, और देखो मतलब जैसा लगता है ना कि जंगल से छोड़ा गया हो, तो कैसे बेर में एकदम लगे पड़े हैं सब के सब, डंडा लेके उसको तोड़ने झाड़ने पे। तो हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की यहाँ पे। चलो कुणाल कुणाल। ए कुणाल। कुणाल मामी के पीछे पीछे। कुणाल इधर मुंह करना, देखना इधर। मामी की गांठ गांठ जोड़ के चलना। कहाँ जा रहा है? बेर खाने। कहाँ जा रहा है? बेर खाने। बेर खाए बे, चल राउंड। अरे वो मेरी इंस्टाग्राम पे मतलब वीडियो देखी ना उन्होंने, तो वो मजाक कर रहे थे।